बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जान रैंबो और आप देख रहे हैं जान रैंबो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, रोजे चल रहे हैं और आज इफ्तारी में मेरा दूसरा दिन है। दो दिन से कचनार खाने को दिल कर रहा था तो मैं कचनार बनाने लगा, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना फिर मैं आपके साथ एक वीडियो बना के भी शेयर कर लूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगा ये तकरीबन आधा किलो मेरा जो है ये चिकन है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको हमने ऑयल में थोड़ी देर भूनना है जब तक ये अपना पानी जो है वो छोड़ के खुश्क ना कर ले। तो कचनार गोश्त किस किस को पसंद है? बहुत कम लोग हैं जिसको नहीं पसंद। जिसको भी कहो कचनार गोश्त, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, कचनार गोश्त बने। तो असल में मेरे बच्चों को नहीं पसंद, तो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आधा किलो कचनार है और आधा किलो ये चिकन है। दो बंदों के लिए बनाऊंगा और रेसिपी बना लेता हूँ, क्योंकि कचनार गोश्त की रेसिपी नहीं थी मेरे चैनल पे। चलें जी, इसकी थोड़ी बहुत बनाई हो गई है, अब इसमें डालेंगे हम ये दो बड़ी इलायची, साथ साथ ये भी इसकी खुशबू भी आएगी। बड़ी इलायची के साथ हम इसमें डालेंगे जी प्याज, दो दरमियानी प्याज जो हैं उनको चॉप कर लिया था मैंने, नहीं प्याज ने, प्यारी मुझे प्याज करके दिया। प्याज तेरे बड़े मैसेज आते हैं भाई। इसको दो तीन मिनट हम देंगे, उसके बाद बारी आएगी अदरक और लहसुन की। एक दो मिनट इसकी बुनाई करते हैं, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा जी, इसको भी दो ढाई मिनट हो गए हैं जी। अब इसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का कुटा हुआ जो पेस्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया जी। अदरक लहसुन को भी हमने दो मिनट देने हैं, कच्चा ना रह जाए, ज़रा बुनाई हो जाए। गोश्त देखें ब्राउन होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे, अब जाएंगे जी इसमें दो दरमियाने टमाटर छोटे छोटे कटे हुए। टमाटर हमने डाल दिए जी, अब टमाटर छोड़ेंगे, अपना पानी इसके साथ हम डालेंगे। ये देखें जी, आधी चम्मच हल्दी, हसबे ज़रूरत नमक और एक छोटा चम्मच ये कुटी हुई मिर्च का, अब ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह, तीन मसाले ये चले गए और तीन या चार मसाले बाद में जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी, थोड़ी देर ढांपेंगे ताकि टमाटर गल जाएं, पानी अपना छोड़ दें, फिर जब पानी खुश्क होगा तो फिर हम देखेंगे। ये नहीं, हमने इसको ढांप दिया। ये देखें जी, टमाटर शुरू हो गए हैं, टमाटर निकल गए हैं, लेकिन ये जो अब बेल निकलना शुरू हो गई है ना, बहार के मज़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार बहार आ गई है। जैसे ये सूखे टहनियों पे पत्ते दोबारा खिल गए हैं, ऐसे भी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं हमारी मुरझाई हुई थी, उनमें भी अल्लाह जो है वो बरकत डालेगा और वो भी हरी भरी होंगी। सबकी अल्लाह मुरादें पूरी करे। वैसे भी बरकत वाला महीना है, दुआएं कबूल होती हैं। देखते हैं जी, लो जी टमाटर नरम हो गए, गल गए, प्याज भी सेट हो गया, बन क्या रहा है? कचनार गोश्त चिकन, कचनार गोश्त अपना बना। अब हम इसमें डालेंगे जी दही, तकरीबन आधी प्याली के करीब इसमें दही गई डालना है। मैं सारे बर्तन जरा
ये चीज़ें पक जाएं। फिर गोश्त गालने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे के हल्की आंच पे से दम करना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा, मेहनत तो होती है फिर सुरीले खाने के लिए। ले जी, धुन बनैया हो गई है जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम ऐडा में लखनऊ दा अच्छी मिर्च आधी लाल हो रही थी बाकी ग्रीन है, ये तीन डालूंगा, ये तोड़ूंगा नहीं ताकि इसके बीच मिक्स होके मिर्चें तेज़ ना हो जाएं। बिस्मिल्लाह, ये तीन मैंने इसमें ये डाल दी। प्याज, अब मुझे आधा कप पानी दे दो, इसको दम दे के गोश्त को गलाना भी तो है ना, भुन बनैया तो हो गया, बस थोड़ी देर गिलाऊंगा और पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो पानी खुश करना है। कचनार को उबाल के नहीं पकाना, इसी में गलेगी, सारा टेस्ट आएगा। उबाल के सारा पानी उसमें से टेस्ट तो निकल जाता है, वो छान के डाल देते हैं, वो तो नीली पीछे फोक रह जाती है, फोक समझते हैं ना, बग बगी टेस्ट ही निकल जाता है सब कुछ। ये आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको अब थोड़ी देर में दूंगा दम ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। ये किया जी, दम हो जाते हैं यार ये, बस अब आते हैं जी अपने। हाँ, कैसी बनाई होगी है, ठीक हो गया काम। अब इसी में हम कचनार डालेंगे, अब आ गया उसका टाइम। लाओ जी, बस इसी में इंशाल्लाह ये गलेगी, दम में पकेगी, इसी का मज़ा आएगा। इस मुझे इसके फूल भी अच्छे लगते हैं, मैं दो तीन फूल ज़रूर लाता हूँ, आंदा लाना वो मैं डाल देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कलर भी पसंद है जी। ये हम मिक्स करेंगे, अभी उसमें इतना है मसाला कि इसमें थोड़ी सी हम इसकी करेंगे बुनाई। ऑयल आ गया जी ऊपर बिल्कुल, थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे और इसी बुनाई के बीच में अब तीन मसाले इसमें और जाएंगे, मैं दिखा दूँगा आपको। सूखा धनिया एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, क्वार्टर काली मिर्च पाउडर और ये ज़ीरा, ये पाउडर चाहिए था मेरे पास नहीं है तो मैंने हथेली पे रख के ना ज़रा, ये देखें इधर देखें ज़रा, मैंने यूं यूं किया, ये रख के ना यूं यूं करके, यूं कर हाय बिस्मिल्लाह जी। ये चले गए जी इसमें मसाले, ये पहले नहीं डालते, ये जल जाते हैं क्योंकि ये खुशबुओं के लिए होते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं, फ्लेवर के लिए होते हैं। हाय हाय, ये बनाई हो गई है जी, दो ढाई तीन मिनट तक हमने कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा पानी, उन्होंने अपना पानी भी छोड़ना है तो अब थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये इसमें गल भी जाए और बाद में आसानी से पानी खुश्क भी हो जाए, ज़्यादा पानी ना हो जाए। ये देख लें बस इतना, अब इंशाल्लाह ये इसी दम में गल भी जाएगी। मेरा ये बर्नर हो गया ख़राब, एक साइड पे ना आंच ज़्यादा जा रही है तो थोड़ा सा उस तरफ से देगची जो है वो काली हो रही है, देगची ये हम देचकी कहते हैं ज़्यादातर। तो पापा बुशरा अंसारी ने ये ठीक कराया था मेरा कि देगची, देगचा, देग। तो आप सलामत रहें, आप क्या कहने, उर्दू भी आला, पंजाबी भी ज़बरदस्त, इंग्लिश भी बेहतरीन, फारसी भी आपको थोड़ी बहुत आती है मुझे पता चला है। खुश रहें आप, आबाद रहें। ये देखें जी माशाल्लाह, ये गल भी गई है और पूरी रच बस गया है इसमें मसाला, ठीक है अब ये हो गई है तैयार। अभी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ा है,
अफतारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 45 मिनट है। मैं तो जी इंशाल्लाह अफतारी करूंगा आज कचनार चिकन के साथ। आप भी घर में ट्राई करें, कचनार थोड़े दिनों की मेहमान होती है, जल्दी जल्दी करें। और फिर जो जो बनाए मुझे जरा आके मैसेज भी करें कि कैसी बनी है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा।